ये जिप्सन माइन का रोड है। इस रोड की बहुत ही खस्ता हालात है, देख लीजिए। भाईजान ये रोड की हालत है यार, प्लीज़ कोई मशीन भेज दो, कुछ भी यार, ये थोड़ा सेट करवा दो रोड, बड़ी बुरी हालत हो जाती है गाड़ी की। ये देखो ये खड्डा है, ये पत्थर है, कितनी गाड़ी को मार मिलती है। यहाँ से ड्राइवर बाहर से रखते हैं गाड़ियाँ, क्या करेंगे, हमारे ड्राइवर भी ढीले हैं खुद, पत्थर डाल दो कुछ कर दो। मैं नायब सरपंच पंचायत हल्का सोमड़ा पर बी से, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये रोड जो है परनक्का रोड जो है, यहाँ पे हड़ोग से परनक्का डिस्ट्रिक्ट रामबन से 25 किलोमीटर आगे है, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है। 2017 से ये जो माइनिंग खुली है, जिप्सन माइनिंग, जो जहाँ से कि कठुआ, जम्मू, उधमपुर और सांबा में जो फैक्ट्री में माल जाता है सफ़ेद पत्थर, उसकी यहाँ पे माइनिंग है। और इस रोड की बहुत ही बुरी खस्ता हालात है। और हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, हमारे आला ऑफिसरों से गुजारिश है कि इस रोड को देखा जाए। इस पर कोई पहले भी एक ठेकेदार आया था, उसने भी पैसा निकाल के और अपना पैसा निकाला और चला गया, और उसको कोई पूछताछ नहीं हुई। और हम अब बेबस हो चुके हैं कि हम आप तक ये बात पहुँचाएँगे कि अब हमारी आगे किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी आला ऑफिसर तक कहीं बात ये पहुँचाएँगे। तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, जब भी बारिश पड़ती है तो रोड पे जो है स्लिप हो जाता है, अगर गाड़ी मोमेंट आगे पीछे चलने की करेगी तो कहीं गहरी खाई में जा गिरेगी। पहले भी एक्सीडेंट हुए यहाँ पे और उसमें भी एक कैजुअल्टी हुई और कई लोगों की जानें चली गई। और हमारी यही महत्वाना गुजारिश है, अपील है कि हमारी कहीं तक ये आवाज़ किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक की आवाज़ पहुँचे और इस रोड का जो है कुछ अजाला हो, इस रोड को बनाया जाए, नहीं तो हमारा जीना हराम है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। जाती है डीसी रामबन से, मेरी एक अपील है, मेरी नहीं, हम सब की है, हम जितने भी डंपर ड्राइवर हैं, हम सब की एक अपील है कि सर जो अपना पीजीपी परनक्का प्रोजेक्ट, जिप्सम प्रोजेक्ट जो है, अपना माल जाता है यहाँ से सर, सांबा जाता है, जम्मू जाता है, इस रोड को बनाया जाए सर। हम सर रोड से मजबूर हो गए सर। परसों हमारी एक भाई की गाड़ी नीचे चला गई, जो कि ऑनस्पॉट उसकी डेथ हो गई। और आप देख सकते हो कि कैसा रोड है, रोड की खस्ता हालत है, खड्डे हैं, स्लिप है, अगर गाड़ी थोड़ी भी सी हम हलाएं बारिश में तो गाड़ी रुकती ही नहीं, और नीचे साथ में ही दरिया है सर, दरिया में चला जाती। हम मजबूर हो गए हैं सर, हमारी एक अपील की जाती है डीसी रामबन से, हाथ जोड़ कर इस रोड को बनाया जाए सर, हमारी इतनी गुजारिश है सर। हम लोग भी इंसान हैं सर, हमारे भी घर वाले इंतज़ार में रहते हैं, आप कब घर पहुँचोगे सर। घर पहुँचना तो दूर है, रब ना करे किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, कोई टांग ही टूट गई, वहाँ तो एम्बुलेंस आने की भी जगह नहीं। ऐसा रोड है कि बड़ी गाड़ी को कम से कम एक घंटा लगता है यहाँ से परनक्का तक, तो छोटी गाड़ी का आप खुद हिसाब लगा दीजिए, इतने इतने बड़े खड्डे हैं कि छोटी गाड़ी तो नामुमकिन ही है कि क्रशर से आगे जाएगी, इतनी रोड की खस्ता हालत है। हमारी गुजारिश की जाती है सर डीसी रामबन से, एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, हमारा ये रोड बनाया जाए सर। पहले भी सर एक ठेकेदार आया था सर इसमें, उसने भी सर थोड़ा सा काम किया इसमें, उतना भी नहीं किया, खड्डे खड़े 10-15 दिन में भरे सर, उसके बाद वो भी नज़र नहीं आया सर। यहाँ सर हम आवाज़ उठाएं तो उठाएं कहाँ से, हमारी अपील है सर, हमारी आवाज़ या तो मीडिया वाला सुन सकता सर, या तो डीसी रामबन सुन सकता, और हमारी आवाज़ कोई दबा लेते हैं सर। प्लीज़ सर हमारी रिक्वेस्ट है, इतना सारा कर दिया जाए सर, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो।